तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और रिसेंटली मैंने वीडियो डाली थी पल्सर RNS 200 की, तो वो आपको आई होप कि पसंद आई होगी। बट स्टिल मेरे को काफ़ी दिनों से था कि मैंने अपनी बाइक में काफ़ी देर से कुछ भी नहीं मॉडिफाई किया है, तो बहुत दिनों से दिमाग चला रहा था। अब तो वेबसाइट भी अपनी आ गई है, तो फिर से मॉडिंग करनी चाहिए। और जो हमें ऑर्डर्स आते हैं कि उनको लोगों को सामान परचेज़ करना रहता है, तो वो कहाँ से करें? तो सभी को मैं बता दूँ कि हमारी वेबसाइट www.thedarkspector.com बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है और अभी मैं जा रहा हूँ द सेफ ज़ोन, और कोशिश करते हैं कि बाइक में कुछ नया डलवाते हैं। तो पहले ही आपको बता दूँ कि वीडियो को पूरा देखना, मैं क्या क्या डलवाने वाला हूँ बाइक में, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। एंड दूसरी बात कि चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमने एक माइलस्टोन सेट किया है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना। 100K सब्सक्राइबर्स करने हमें सेप्टेम्बर के मंथ से पहले। तो आई होप कि आपको वीडियो ये वाली भी पसंद आई होगी, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो बाय द वे, एक चीज़ तुम सभी लोगों को बतानी थी कि मैं ज़्यादा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ वेबसाइट का, तो अभी आप ही ने करना है जो करना है। तो मेरा काम था वेबसाइट बनाना, एंड अब आप लोग प्लीज़ जाके एक बार नज़र ज़रूर मार लो और सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करते जाओ, मैं कंटेंट बनाता जाऊँगा, ठीक है भाई? तो अभी हम चलते हैं। क्या कहते हो, कौन सा एग्जॉस्ट ठीक लगेगा? एसी का हमारे पास पड़ा, AKRAPOVIC का पड़ा हुआ है। AKRAPOVIC एसी ज़्यादातर सारे यहाँ ऊपर सारे पड़े हैं, तो हम एक बार इनको ट्री दिखा देते हैं सारा, और फिर देख लेते हैं कि कौन सा यूज़ करना है। फिलहाल अभी हम बाइक को कर दें वर्कशॉप के अंदर। चलो ठीक है, कर दो। राइट, आर्य भाई ने अपना काम शुरू कर दिया, मैं थोड़ा बाहर बातों में लग गया था। तो सबसे पहले आपको ये वाला फेंडर निकालना पड़ेगा इसका, एंड ये निकालने के बाद दो स्क्रूज होते हैं ना भाई, तो जो भी मुझे बोलते हैं एग्जॉस्ट यहाँ से परचेज़ कर लिया एंड घर पे जाके लगेगा नहीं, तो मैं उनके लिए थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इंस्टॉलिनेशन आपको। तो बेसिकली आपका एक स्क्रू यहाँ पर होता है, ठीक है, जो आपके मफलर को होल्ड करता है यहाँ पर, एंड जो दूसरा होता है, दो नट होते हैं जहाँ पर बैंड पाइप लगी होती है, तो यहाँ पर दिखेगा नहीं बट यहाँ पर दो स्क्रूज होते हैं, तो ये दोनों आप खोल सकते हो आराम से। तो अभी आरिफ भाई ये खोलेंगे और हम चेंज करेंगे एग्जॉस्ट इसका। आप बताओ, जब से हम राइड के बाद आए हैं, तब मतलब था, तब मैं सोच रहा था रेगुलर वीडियोस डालूंगा सितंबर से पहले 100K, तो अभी एक महीना बच गया, क्या बोलते हो 100K करेंगे ये लोग? 100K भाई, कर देना भाई यार सब्सक्राइब, नीचे जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। 100K पे गिव अप होगा, काफी बड़ा वाला गिव अवे, बड़े वाला पूल पार्टी सब कुछ, और क्या जो जो जम्मू में सब सब कुछ पॉसिबल करेंगे हम लोग। तो ये है फाइनली हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट और काफ़ी बड़ा है। एंड एक और चीज़ बता दो, जो लोग कहते हैं परफॉर्मेंस बढ़ती है एग्जॉस्ट से, तो बढ़ने के पीछे दो रीज़न होते हैं। पहली बात तो जो दूसरे एग्जॉस्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट फ्री फ्लो होते हैं, कैटली कन्वर्टर डाल के हम उनका थोड़ा फ्लो मतलब लिमिटेड करते हैं। एंड जो दूसरी चीज़ है कि इस एग्जॉस्ट का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वेट जब कम होगा तो डेफिनेटली आपकी बाइक ज़्यादा परफॉर्म बेटर करेगी, तो ये चीज़ होती है। एंड आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो स्टॉक पाइप होती है इसमें ये हिस्सा रहता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं कैटलिक कन्वर्टर, और इसका मेन जो काम होता है वो होता है बैक प्रेशर को मेंटेन करना। तो अभी के लिए हम जो डालेंगे बैंड पाइप उसमें कैटलिक कन्वर्टर भी डालेंगे, और फुल सिस्टम एग्जॉस्ट में वो भी आता है आपका, एंड उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है आपको। तो सब कुछ मेरी वेबसाइट में नीचे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक ज़रूर कर लो। तो अभी मैं सारे एग्जॉस्ट को लेके आता हूँ और डाल के देखते हैं कि कौन सा बढ़िया रहता है। आपको याद हो मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर हमारा पूरा स्टोर एक अरेंज होने वाला है, तो ये है वो जगह। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊँ, बैजेस वगैरह स्टिकर्स वगैरह भी अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगा, लाइट बंद है तो इन्वर्टर पे सब कुछ रन कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा हेडलाइट्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्लोजअप। तो सिनेमैटिक्स दिखाने का मन है बट अभी टाइम कम है, तो ऐसे देख लो, बहुत ज़्यादा सामान है और भी नीचे गोडाउन वगैरह में, और ये सब पैक्ड एग्जॉस्ट्स हैं रॉयल इनफील्ड के, किसी भी बाइक के आप बोलोगे बैंड पाइप वगैरह सब मिल जाएगी। एंड ये जो हमारे सैंपल्स हैं इनको हम लगा के देखेंगे अभी और कौन सा हमारी बाइक पे बेस्ट पड़ता है। तो भाई बताओ जी, हम मेहनत करते हैं नहीं करते? बिल्कुल करते हैं जी। हमारा फल क्या होता है? ये लोग तो मजा लेते हैं पूरा वीडियो का, हमारा यही देंगे,
जो मजा लेते हैं वो बिल्कुल एग्जॉस्ट खरीद ले, और हमें भी थोड़ा सा मजा आना चाहिए ना भाई, सब्सक्राइब करना चाहिए ना आपको, है कि नहीं भाई? सब्सक्राइब करेंगे ना ये लोग? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, तो अभी हम कहाँ जाएंगे? मेहनत करो, फल देंगे। बिल्कुल, तो अभी ये पूरी बैंड पाइप है, तो अभी नीचे जाके इसको डालते हैं और देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। तो चलो नीचे। तो असुविधा के लिए खेद है, एक्चुअली अभी हो गया बाहर अंधेरा, तो अभी हम बाइक अंदर लगाएंगे, अंदर से ही साउंड टेस्टिंग वगैरह सब कुछ अंदर ही होगा। तो फाइनली बाइक लग चुकी है अंदर, और अभी हम लगा रहे हैं इसमें बैंड पाइप। तो बैंड पाइप लगने के बाद, बैंड पाइप का आपको मैंने बताया था दो स्क्रूज लगते हैं, दैट्स इट, बैंड पाइप आपकी वहाँ पर माउंट हो जाएगी। और उसके बाद ये जितने भी मफलर्स हैं, ये जितने भी मफलर्स हैं, ये सारे हम ट्राई करेंगे R15 पे। तो देखते हैं कौन सी आवाज़ आ रही है। तो ऑल राइट, यहाँ पर आरिफ भाई ने हमारी बैंड पाइप बिल्कुल कर दी है फिक्स। तो अभी मैं फ़िलहाल इसमें कैटलिक कन्वर्टर नहीं डाल रहा, और उसके पीछे रीज़न ये है कि वो पैकिंग में पड़े हैं, तो मैं उनको खोलना नहीं चाहता। एंड जो अभी मेरे पास है ये बैंड पाइप, इसमें मैं डायरेक्टली एग्जॉस्ट और डीबी किलर लगाऊंगा। तो भाई शुरू कर दें काम अपना। तो अंधेरे के लिए खेद है, बट हाँ आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है। हम इतना रोशनी तो देंगे आपको। हाँ, तो टेस्ट नंबर 1 SC प्रोजेक्ट, और ये आपको वेबसाइट पे सब मिल जाएंगे, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, तो रेट्स वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो अभी हम ये लगा रहे हैं, वॉइस क्वालिटी देख लो। तो जय माता दी, फर्स्ट एग्जॉस्ट, लाइक्स ज़्यादा आने चाहिए, कमेंट्स ज़्यादा आने चाहिए। तो कर दो भाई शुरू। 1, 2, 3 यार, ये वाला एग्जॉस्ट बहुत ही ज़्यादा लाउड है, और मज़ा आ गया बिल्कुल। मतलब जो फील आना था वो बिल्कुल फील हुआ हमें, और ये एग्जॉस्ट भी मस्त था। अभी करते हैं हम सेकंड वाला चेक। तो यार ये एग्जॉस्ट सारे ही मस्त हैं, तुम अभी चेक कर लो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो खरीद सकते हो। एग्जॉस्ट नंबर 2, ये भी है SC प्रोजेक्ट का शॉटगन, और अभी इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो भाई लगा दो। ये वाला एग्जॉस्ट भी बिल्कुल मस्त है, हम आगे आगे चेक करते जाएंगे, आपको जो पसंद आता है यार तुम खरीदते जाओ। और ये दोनों मुझे बहुत ही अच्छे लगे पर्सनली। जो दूसरा वाला था वो उसकी आवाज़ और ज़्यादा R15 पे रिफाइन हो रही थी, बट आपकी बाइक पे सब पे अलग अलग होगा, तो आपको जो पसंद आए आप खरीद सकते हो। SC प्रोजेक्ट नंबर 3, ये तीनों SC प्रोजेक्ट के हैं। तो अभी ये वाला टेस्ट करते हैं हम, लगाओ भाई। ओके, तो इसकी लुक भी बहुत अच्छी दिख के आ रही है। तीनों SC खत्म हो चुके हैं, अब भी हमारी बारी है MIV की। तो यार ये बहुत अंडररेटेड एग्जॉस्ट है, सारे समझते हैं कि ये इतना अच्छा नहीं है, भोंदू एग्जॉस्ट समझते हैं इसको सारे, बट हाँ भाई इसकी पावर है, ये जो चीज़ है ना बहुत अच्छी कमाल की चीज़ है। तो अभी ये लगा के चेक करते हैं भाई, कर दो। बिल्कुल जी, चेक करते हैं। एग्जॉस्ट भी भाई जबर, एकदम मजा आ रहा है पूरा। तो आरिफ भाई क्या बोलते हो भाई, आज तो मजा ही आ गया, फील ही अलग है, सुपर बाइक वाली फील है भाई, बिल्कुल। तो ये एक और मेरे यूट्यूबर भाई हैं शोएब, उन्होंने भी यूज किया था, ये है अपना टॉस का, बट ये टॉस है जो इसके अंदर है फाइबर ग्लास, और ये वाला मतलब फिलिंग के साथ आता है, तो इसमें थोड़ा अलग आपको फील आएगा, ये थोड़ी सी नॉइज को डंप करेगा। तो ये काफी अच्छा एग्जॉस्ट है क्वालिटी वाइज, तो अभी चेक करते हैं इसको। भाई
भाई ये टॉस का एग्जॉस्ट मेरे ख्याल से पहले किसी यूट्यूबर ने ट्राई नहीं किया, ये वाला सेम जो शोएब का था वो था बीच में से ब्लैंक, बट ये वाला एग्जॉस्ट भाई लिटरली बता रहा हूँ बहुत अच्छी आवाज़ है, डंप करता है आवाज़ को, जिनको मेरी तरह लाउड आवाज़ नहीं पसंद, जिनको थोड़ा सा बास चाहिए आवाज़ में, और बेस के साथ साथ आपको मतलब एक कंट्रोल्ड आवाज़ चाहिए और वो भी बहुत अच्छी सुपर बाइक जैसी, तो भाई वो है एग्जॉस्ट। अब बारी है M4 की, तो ये भाई साहब थोड़ी अच्छी क्वालिटी के M4 हैं, सारे एग्जॉस्ट रेप्लिकाज हैं पहले बता देता हूँ, हाँ बट ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी के M4 हैं। लेट्स ट्राई दिस, नंबर 6 एग्जॉस्ट है, तो भाई लेट्स डू इट। तो भाई ये आता है आपका बजट सेगमेंट में, अच्छा एग्जॉस्ट है ये भी, अगर आपको लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लो। नंबर 7 पे मेरा फेवरेट एग्जॉस्ट, ये आता है लियो विंस की तरफ से और ये हाई क्वालिटी रेप्लिका है, डीपी किलर वगैरह के साथ आता है ना भाई ये, जी बिल्कुल जी। तो ये बहुत ज़बरदस्त एग्जॉस्ट है, अब इसको ट्राई करते हैं कि क्या आउटपुट देता है ये हमें। साउंड काफ़ी मीठी यार, ये एकदम स्मूथ साउंड है, मतलब फील नहीं हो रहा कि 150 cc की बाइक पे एग्जॉस्ट लगा रखा है, भाई क्या बात है, मज़ा आ गया मतलब बिल्कुल असल में। तो अभी हम नेक्स्ट वाला आखिरी एग्जॉस्ट, बट बहुत अच्छा एग्जॉस्ट है AKRAPOVIC अपना, तो फिलहाल के लिए हमारे पास ये वाला एडिशन अभी सैंपल के लिए पड़ा है, बाकी आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तो अभी हम ट्राई करेंगे ये वाला कार्बन फाइबर फिनिश में, सो अरे भाई कर दो फिट। तो यार ये एग्जॉस्ट सबके सब बहुत मस्त लगे मुझे, और पर्सनली मैं खुद प्रेफर करूँ तो मैं सारे प्रेफर करूँगा, बट हाँ सभी की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैं बताता हूँ, अगर आपको कम साउंड चाहिए तो लियो विंस वाला आपके लिए अच्छा है, अगर आपको लाउड और अच्छी मतलब ठीक ठाक आवाज़ चाहिए तो बाकी सब अच्छे हैं, और ये जो एकरा है आपको इसमें डीपी किलर मिल जाता है, तो बाद में आवाज़ कम ज़्यादा करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा आप जो भी खरीदोगे आपको मज़ा आ जाएगा, और आपको ये एग्जॉस्ट अलग से मिलेंगे वेबसाइट पे, और बैंड पाइप आपको अलग से मिलेगी, तो दोनों आपको अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे, आपको कैटली कन्वर्टर खरीदना है तो वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अभी आपको जो भी एग्जॉस्ट पसंद आता है फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से आप अपना एग्जॉस्ट खरीद सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, मुझे पता है कि मैंने अंधेरे में शूट किया, बट स्टिल भाई सितंबर तक अपने को 100K सब्सक्राइबर करने हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।